गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैन फिजिकल चेंज एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर टुगेदर? क्या ये दोनों चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज एक साथ हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जब एक कैंडल बर्न होती है, मतलब जब मोमबत्ती जलती है, ठीक है, जब भी पिघला हुआ मोम जो होता है ये डाउनफ्लो होता है और धीरे धीरे वो सॉलिडाइज होने लगता है, मतलब फिर से सॉलिड होने लगता है, तब जो इसकी स्टेट में चेंज होता है ये फिजिकल चेंज होता है। और दूसरा अगर हम इसका हिस्सा बात करें तो जो दूसरा पिघला हुआ हिस्सा होता है इसमें से कुछ वेपराइज भी होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है और वाटर वेपर फॉर्म होती है। ये हिस्सा जो है बर्निंग ऑफ वैक्स का, ये केमिकल चेंज करता है। ओके, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस, चेंज फिजिकल और केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है। मतलब फिर से समझ, क्या है ये, जब भी कोई एनर्जी में चेंज होता है, मतलब जब भी कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है तो एनर्जी में चेंज जरूर होता है। मतलब जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होगा तो उसमें एक एनर्जी में चेंज भी होना है, यानी कि होता ही है। एनर्जी यूजली क्या होती है, हीट की फॉर्म में होती है या, और एनर्जी यूजली किस फॉर्म में होती है, हीट की, और या तो ये ऑब्जर्व की जाएगी या ये रिलीज की जाएगी, ठीक है, एक सब्सटेंस के द्वारा। जो भी जिस भी सब्सटेंस में चेंज हो रहा है वो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या ऑब्जर्व करेगा, किसी भी केमिकल चेंज के द्वारा या किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग। जो भी चेंज होता है किसी भी चेंज के दौरान, हीट जो है अगर उसमें रिलीज की जा रही है या मतलब गिवन आउट हो रही है तो वो उसको एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं। जिस चेंज के दौरान हीट जो है गिवन आउट हो वो एक्सोथर्मिक चेंज, और जिसमें टेकन इन हो यानी कि ऑब्जर्व हो वो इंडोथर्मिक चेंज। ओके, कई चेंजेस होते हैं जो ना तो एक्सोथर्मिक होते हैं ना इंडोथर्मिक होते हैं। जो फॉर्मेशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, ये कॉमन एग्जांपल है इस तरीके के चेंज का। जब सैंड मिक्स की जाती है साल्ट या वाटर के साथ तो कोई भी हीट ना तो ऑब्जर्व की जाती है ना रिलीज की जाती है। एनर्जी चेंज क्या होता है फिजिकल चेंज में, जब स्टेट का चेंज होता है तो एनर्जी, जब स्टेट का चेंज होता है किसी भी मैटर की तो एनर्जी जो है इसमें चेंज होती है स्टेट के चेंज के दौरान। एक सॉलिड जो है वो ऑब्जर्व करता है हीट मेल्ट होने के लिए, और लिक्विड ऑब्जर्व करता है हीट वेप्योर बनने के लिए, ठीक है, इसलिए क्या है इंडोथर्मिक चेंज है। और वही इसके अपोजिट जब ठंडा किया जाता है, इसको कूल किया जाता है, तो गैसेज हैं और गैसेज और वेप्योर्स कंडेंस होती हैं और लिक्विड्स फ्रीज होती हैं, इसमें जो है हीट गिवन आउट होती है यानी रिलीज होती है इस प्रोसेस दौरान, इसलिए एक्सोथर्मिक चेंजेस। ओके, एनर्जी चेंज, व्हाई एन एनर्जी चेंज इन अ चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट में एनर्जी चेंज क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की, ये डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट्स में। ये सॉलिड्स में लोएस्ट होती है और लिक्विड्स में हाइयर होती है, जबकि गैसेस स्टेट में हाइएस्ट होती है। इसलिए एनर्जी जो हीट है ये ऑब्जर्व होगी सॉलिड के दौरान, सॉलिड के से मेल्ट होने के लिए सॉलिड एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, लिक्विड को वाइल होने के लिए, वेपराइज होने के लिए एनर्जी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और हीट जो है ये वेप्योर को कंडेंस होने के लिए यानी कि लेस एनर्जी में जाने के लिए उतनी हीट रिलीज कर देंगे लिक्विड भी फ्रीज होने के लिए। ओके, हियर वी हैव फिनिश्ड टुडेज क्लास एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।